हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज संडे है, आज जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, दिखाते हैं आज हम कहाँ जाने वाले हैं। रूम से हम निकल गए हैं, अब हम जाने वाले हैं मेघदूत। रास्ते में ही हमने सोच लिया है कि हमको कहाँ जाना है, तो आपके लिए बता दें हम जाने वाले हैं मेघदूत पार्क में रील्स बनाने के लिए। हम मेघदूत पर आ गए हैं, यहाँ से हम कटवाने वाले हैं टिकट, इसके बाद हम जाएंगे अंदर मेघदूत में। ये देखिए हमने कटवा लिया है टिकट, अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ हमने गार्ड को दे दिया है अपना टिकट, अब हम अंदर जा रहे हैं। देखिए गार्ड कितना शर्मा रहा है हमको देख के। अब हम जा रहे हैं अंदर, आपको दिखाते चल के। देखिए मेघदूत गार्डन में हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे झूला बच्चों को खेलने के लगे हुए हैं, तो ये देखिए बच्चे सभी और हम जैसे लोग भी झूले पे झूल रहे हैं। अभी हम यहीं पे रील्स बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मेघदूत गार्डन में हमको, बहुत ही अच्छा है। सभी लोग यहाँ पे आते हैं शाम को, शाम को क्या कभी भी आ सकते हैं, दिन में घूमने के लिए जब भी आना हो आपके लिए तो आ सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, उनको अच्छा लगा। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है मेघदूत में, आप कमेंट करके बता दीजिए हमको आपको कैसा लग रहा है मेघदूत गार्डन में। अब हम जाने वाले हैं थोड़ा आगे चल के, फिर देखते हैं आगे और कौन कौन सी इधर जगह है जिसमें हम रील्स बना सके, कोई अच्छी खास जगह। वैसे तो सभी जगह अच्छी लग रही है हमको। ये देखिए यहाँ पे प्रेमिका बैठे हुए हैं दोनों। अब इंदौर का माहौल तो आप समझ ही सकते हो, यहाँ पे प्रेमिका प्रेम प्रेमिका मिलने के लिए आते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। ये गार्डन और होटल का तो काम ही है। ये देखिए यहाँ पे पानी का फुव्वारा भी लगा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। नाइट हो गई इसलिए अंधेरा अंधेरा सा भी दिख रहा है दूर दूर तक। लाइट लगी है फिर भी अच्छा लग रहा है, शाम के टाइम ही तो ज़्यादा अच्छा लगता है मेघदूत के। ये देखिए बहुत दूर दूर तक लगा हुआ है पानी का फुव्वारा। ये यहाँ पे फोटो निकाल रहे हैं भाई साहब जी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आंटी और फोटो निकाल रही हैं अपना अपना। ये देखिए गर्मियों का टाइम है फिर भी कितना शानदार लग रहा है, क्योंकि इसकी सफाई रहती है, देखभाल करते हैं, गार्ड लगे रहते हैं इसमें पैसों में नौकरी पर। ये देखिए यहाँ पे फिर मिल गए हमको प्रेम प्रेमिंग का, यहाँ पे बातें चल रही हैं खड़े होके,
लगता हमको तो झगड़ रहे हैं ये लोग। चलो हम तो निकल जाते हैं, हमको क्या करना है, झगड़ते रहे वो लोग। हमने तो घूम लिया है मेघदूत और रील्स भी बना ली है। अब हम निकलने वाले हैं मेघदूत से, क्योंकि हमको रूम पे भी जाना है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, खाना भी बनाना है रूम पे जाके। तो अगर आप भी आना चाहते हो मेघदूत गार्डन में तो आप भी आ सकते हो घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा है मेघदूत पार्क इंदौर का। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए सब कुछ मिलता है। ये देखिए, ये बच्चों के लिए सब कुछ रखा है, खिलौना है, आगे चल के खाने पीने के लिए सब सामान रखा हुआ है, जो भी खाना पीना हो। यहाँ पे मेघदूत की पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, फिर आगे चल के भी बच्चों के खेलने कूदने की जगह है। ये देखिए यहाँ पे, और भी आगे ये इधर खाने पीने की जगह है, जो भी खाना हो। बहुत दूर तक दुकानें लगी हुई हैं। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइब प्लीज़ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए।